नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में 454 वोट के साथ प्रस्तुत हो गया है। संसद के विशेष सत्र में इस विधेयक के विरोध में 2 मत पड़े। अब ये विधेयक राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर 2 दिन चर्चा होगी। इस विधेयक के विरोध में सिर्फ 2 मत पड़े। बुधवार शाम लगभग 7 बजे विधेयक पर चर्चा के पश्चात स्पीकर ओम बिड़ला ने वोटिंग शुरू करवाई, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद अब राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। संसद की नई इमारत में कार्यवाही 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर शुरू हुई और पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस कानून को लागू करने के लिए अब राज्यसभा को भी इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पास करना होगा। इसके बाद जनगणना और फिर परिसीमन का काम शुरू होगा। संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।